नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में, जिस शेयर में आपको हर गिरावट में जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में एक करेक्शन आ रहा है, तो ऐसे में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसे करेक्शन मिलता है इन स्टॉक में आपको जरूर इन्वेस्ट करनी है। तो दोस्तों ये स्टॉक है इन्फोसिस लिमिटेड, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। आपको हम टेक्निकल चार्ट्स पे दिखाएंगे, साथ साथ फंडामेंटल्स की भी बात करेंगे, लेवल्स और टारगेट की भी बात करेंगे। क्या आपका लेवल्स और टारगेट होनी चाहिए, मतलब किस सपोर्ट प्राइस पे आपको बाय करनी स्टार्ट करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों ये है डेली चार्ट, डेली चार्ट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टॉक्स जो रिजल्ट आया था, जब जून क्वार्टर का रिजल्ट काफी पॉजिटिव आया था, ये स्टॉक डायरेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 789 के आसपास चल रहा था, वहां से एक ग्रीन कैंडल बना था और फिर अगले ही दिन ये काफी गैप अप ओपन होता है और ये डायरेक्ट 900 रुपये पर ओपन होता है और वहां से देख सकते हैं आप 900 रुपये पर सपोर्ट लेने के बाद ये स्टॉक लगातार ऊपर चलता गया और अपना ऑल टाइम हाई बनाया 1179 का। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, और ये स्टॉक जो लॉकडाउन था, मतलब जो पैंडमिक हमारा आया था मार्केट में, जो बड़ी गिरावट आया था, उस गिरावट में मात्र 500 रुपीज़ के आसपास मिल रहा था। यहाँ पर आप देखते हैं ये स्टॉक्स मात्र 500 रुपीज़ पर, यहाँ पर देखते हैं 19 मार्च ये 500 रुपीज़ में ये स्टॉक्स मिल रहा था। अगर आप उस समय बाय किए होते तो आपको लगभग इसमें 100% से भी ज़्यादा का, मतलब 150% का आपको इसमें रिटर्न प्राप्त होता अभी तक में। तो दोस्तों समझ सकते हैं कितना बेहतरीन स्टॉक्स है, सिर्फ कुछ ही महीनों में ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स में आपको 150% का रिटर्न, साथ ही साथ 5% का डिविडेंड। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा बेहतरीन मैनेजमेंट आपको मिल जाता है इसमें। जो मैनेजमेंट है, आपने इन्फोसिस को कई बार देखा होगा, विसर ग्लोबल कंप्लेंट था उसको भी काफ़ी अच्छे से हैंडल किया और इसका मैनेजमेंट काफ़ी आपका विश्वसनीय है। आप जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो मैनेजमेंट पर आप फोकस बना कर रख सकते हैं, रिजल्ट पे फोकस बना रख सकते हैं, कंपनी के ग्रोथ पर, कंपनी के बिजनेस पे, सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, साथ साथ टेक्निकल जो चार्ट है उसे भी फॉलो करना है। तो चलिए हम वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट पर आपको वीकनेस दिखेगा, जब विसर ग्लोबल कंप्लेंट इसमें आया था तो देख सकते हैं ये स्टॉक्स यहाँ से काफ़ी तेज़ी से जंप, मतलब नीचे गिरा था। देखते हैं ये स्टॉक्स चल रहा था 830 रुपीज़ का, वहाँ से गिर करके ये आ चुका था 630 रुपीज़ पर, मतलब 200 रुपये का गिरावट आया था, एक बहुत बड़ी गिरावट जो की थी वहाँ से। जैसे मतलब विसर ग्लोबल कंप्लेंट खत्म हुआ, फिर से स्टॉक ऊपर का तेज़ी पकड़ा, लेकिन जो पैंडमिक था हमारा, जो कोरोना वायरस का सिचुएशन का जो पैंडमिक आया था उसके कारण इसमें गिरावट आया, लेकिन ये तो गिरावट टेम्प्रोरी था। जैसे जैसे मार्केट ऊपर गया उसी तरह से ये स्टॉक्स भी देखते हैं लगातार ऊपर गया, और जैसे अभी मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन है तो इस स्टॉक में भी करेक्शन देखने मिल रहा है। मतलब ये स्टॉक्स पूरी तरह से मार्केट के साथ चलती है, जैसे मार्केट में तेजी होगा तो इस स्टॉक में भी आपको तेजी देखने मिलेगा। वीकली चार्ट पर आप देखते हैं कभी भी इस स्टॉक में वीकनेस नहीं आया था, सिर्फ इस कंप्लेन विसर ग्लोबल का जो कंप्लेन हुआ था उस समय को छोड़ दिया जाए। तो मंथली चार्ट पर देखते हैं तो मंथली चार्ट पर भी ये स्टॉक्स आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगा। तो देखिए मंथली चार्ट पर हम आपको ये स्टॉक्स दिखाते हैं जो कि काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर देख लीजिए मंथली चार्ट पर ये स्टॉक्स देख सकते हैं, यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से आप 2003 से देख लीजिए, 2003 के पहले यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आया था, 2003 के बाद इस स्टॉक में देख लीजिए कभी भी अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया है। देखते हैं यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली देखने मिला, यहाँ से गिरावट आया, लेकिन जो यहाँ पर लो बनाया इस लो को थोड़ा सा ब्रेक किया, लेकिन अपने इधर का जो लो है किसी भी लो को ब्रेक नहीं किया, मतलब अपने रिसेंट लो को ये ब्रेक किया, लेकिन अपने किसी भी प्रीवियस लो को, जो लो काफ़ी नीचे था उसको ब्रेक नहीं किया। और यहाँ से देखते हैं लगातार ये स्टॉक्स देखते हैं टेक्निकल चार्ट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन है। साथ ही साथ बता दें इसमें डिविडेंड आपको मिल जाता है 5% के आसपास। तो दोस्तों 5% तो आपको FD पर ब्याज मिलता है, इसमें ब्याज के रूप में आपको डिविडेंड मिलता है, साथ ही साथ काफ़ी बोनस मिलते हैं। चलिए हम इसके फंडामेंटल की भी बात करेंगे। तो टेक्निकल चार्ट पे आपने देख रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, फंडामेंटल्स की भी बात हम लास्ट में करेंगे, लेवल्स और टारगेट वहाँ पर जानेंगे, मतलब लेवल और टारगेट यहाँ पर भी हम जान सकते हैं। तो चलिए लेवल टारगेट को यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर फंडामेंटल्स को जान लेंगे, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है। तो यहाँ पर बात करें तो अभी जो है स्टॉक में गिरावट हो रहा है, करेक्शन हो रहा है, तो आपको जस्ट वेट करना है। तो सबसे पहला जो इसका सपोर्ट आएगा 1000 का प्राइस, ऐसे भी ये एक साइकोलॉजिकल प्राइस 1000, 2000, 500, ये जो होता है प्राइस एक साइकोलॉजिकल प्राइस होता है, मतलब इस पर आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा। तो इस प्राइस तक आने का आप वेट करें, अगर यहाँ सपोर्ट मिलता है इस प्राइस को, मतलब इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, नीचे नहीं आता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है, तो आपको यहीं से
आईपीओ स्टार्ट करनी है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको जस्ट आपको 900 के लेवल को मतलब वेट करना है। 900 के लेवल पर ये सपोर्ट लेगा तो यहाँ पर गैप अप जो ओपन हुआ है तो ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस का मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। अब बहुत बड़ा सपोर्ट क्योंकि प्राइस तो ऊपर निकल चुका है, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो 1000 पहला सपोर्ट होगा अगर उसको ब्रेक करता है। 900 के लेवल को आपको वेट करना है। फिर बात करते हैं हम इसके फंडामेंटल्स का। फंडामेंटल्स भी काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर वैल्यूएशन पर क्लिक करते हैं, वैल्यूएशन देख लीजिए 4,51,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी जो है 27 का, इंडस्ट्री का पी भी 27 है, तो दोनों सेम है। डिविडेंड 350% का है, डिविडेंड 1.65% का है। ये डिविडेंड क्यों बढ़ा है? क्योंकि जो प्राइस है वो 150% से इंक्रीज हो चुका है। मतलब 150% रिटर्न दिया तो डिविडेंड यील्ड उसी रेशियो में कम हो जाता है, नहीं तो ये डिविडेंड यील्ड आपको 4-5% देखने मिलता है, 4-5% जो कि काफ़ी ज़्यादा था। कॉर्पोरेट टैक्स पर जाइएगा तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ें आपको देखने मिलेगी। डिविडेंड देख लीजिए कंपनी हर साल देती है, एक साल में दो तीन बार देती है। उसके बाद बोनस देख लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। व्यू मोड पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 9 बार बोनस दे चुका है। दोस्तों काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और एक बार स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है जो कि आपके लिए बोनस के जैसा ही कार्य करता है। तो ये कंपनी लगातार बोनस देने वाली कंपनी है। बोनस से आपका नंबर ऑफ शेयर जो है काफ़ी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर आप 100 शेयर खरीदे हैं और यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 100 शेयर कई हज़ार शेयर हो गए होंगे इन्फोसिस में। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है तो आपको इसमें जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। वहीं बात करें फाइनेंशियल का, तो फाइनेंशियल भी कंपनी का काफी स्ट्रांग है। यहां पर देख लीजिए लगातार से इंक्रीज हुआ है, 22,000 करोड़ से 24,000 करोड़ पहुंच चुका है। प्रॉफिट देख लीजिए 4,000 करोड़ था, यहां 4,800 करोड़ हो चुका है। तो 4,000 से लगभग 5,000 प्रॉफिट हो चुका है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इतना जंप है, अगर आप एनुअली देखेंगे तो और ज़्यादा जंप आपको दिखेगा प्रॉफिट में और सेल्स में। वहीं बात करें बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट भी कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल शेयर कैपिटल है 2,122 करोड़ का और वहीं रिजर्व सरप्लस है 63,000 करोड़ का। तो देखते हैं रिजर्व और सरप्लस कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये कैश रिच कंपनियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपनी के पास कैश है और लॉन्ग टर्म बोर्ड भी देखिएगा बिल्कुल जीरो है। तो कंपनी के ऊपर जो डेट है बिल्कुल जीरो है, जबकि और जो रिजर्व और सरप्लस है काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। और इसके मतलब जैसा कि हमने बात किया था लास्ट में, हम इसके टारगेट की भी बात करेंगे। तो टारगेट जो है ऊपर अनलिमिटेड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। वहीं सपोर्ट की बात हमने किया था, 1000 प्राइस सबसे पहला सपोर्ट, दूसरा होगा आपका 900 रुपीज़ का प्राइस दूसरा सपोर्ट जहां पर आपको इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर यहां पर सपोर्ट लेता है और यहां से ऊपर जैसे प्राइस ऊपर मोमेंटम दिखाना शुरू करेगा सपोर्ट लेने के बाद, तब बाय करना है। साथ साथ मार्केट को देखना है, मार्केट हमारा किस दिशा में जा रहा है। मार्केट में गिरावट तो इस स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने मिल सकता है। मार्केट बहुत बड़ी गिरावट तो ये फिर से 700 भी आ सकता है। इस सब बात को याद रखना है। और लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट 2000-3000 सारे प्राइस देखने मिलेंगे अगर बोनस शेयर नहीं देता है। ऐसे कंपनी का प्राइस जो है 1500 और उसके आसपास जाता है, निश्चित रूप से आपको बोनस शेयर भी देखने मिलेगा। ये कंपनी लगातार बोनस देती है, अपने इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा मालामाल करती है बोनस से। तो ज़रूर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छे डिविडेंड के लिए, अच्छे रिटर्न के लिए, अच्छे बोनस शेयर प्राप्त करने के लिए। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।